तो भाई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में तो यही आया, वाह क्या सीन है। क्योंकि ट्रेलर देखते समय बहुत कुछ घूमने लगा था दिमाग में, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन की मूवी है, भले ट्रेलर कैसा भी हो उसमें से कुछ अच्छा निकाल ही लेते। तो सीधा ट्रेलर पे आते हैं, जहाँ ट्रेलर की स्टार्टिंग माइल्स और उसकी मॉम से होती है, जो कि उसे ये समझाती है और बताती दिखती है कि उसे मालूम है कि उसने अपने बेटे को कैसे बड़ा किया है, और साथ ही वो जानती है कि अब उसके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, जो कि सीधा सीधा स्पाइडर वर्स से रिलेट किया गया था। और ट्रेलर में मोस्ट ऑफ द सीन इसके पहले पार्ट के ही है, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। हाँ, पर जैसा भी था उसके पीछे माइल्स की मॉम की वो छोटी सी स्पीच कुछ अच्छा साउंड करती है, जिसके लिए मैं खुश हूँ। और साथ ही ट्रेलर में माइल्स अब दूसरे डायमेंशन में आ चुका है, जहाँ ये चीज हमने इसके पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देख चुकी थी, पर अब जो होने वाला है इसे देख के इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। क्योंकि ट्रेलर का ये सीन देख के भाई मैं तो हिल सा गया था, क्योंकि इसके पहले हमने स्पाइडर वन, स्पाइडर पिग, गोस्ट स्पाइडर, रोबोटिक स्पाइडर और ब्लैक एंड व्हाइट स्पाइडर ये सभी देखने मिल चुके हैं, पर इस बार पता नहीं कितने सारे है, क्योंकि अगर मैं काउंटिंग करना चालू भी कर दूं फिर भी एक एक फ्रेम को देखना पड़ेगा। हालांकि देख के ये तो बता सकते कि अबाव 50 रहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पर ये देख के मूवी की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई है, और इस सीन में सभी स्पाइडर्स माइल्स के पीछे पड़ गए हैं, जैसे कि उसी से ये सब प्रॉब्लम हुई है, जहाँ हमें स्पाइडर वन भी देखने मिलता है। और अब ये सब कहाँ जाके खत्म होगा वो तो मूवी देख के मालूम चलेगा। अच्छा ट्रेलर में कोई भी विलेन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इस डायमंड के ट्रेलर में कुछ भी नया नहीं है, मतलब कि आधे से ज्यादा सीन सब पहले मूवी के ही है, पर फिर भी मजा आया। तो फिर तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे प्यार बनाए रखना। टिल देन कीप वॉचिंग सेटफ्लिक्स।